रहे हैं सीएमएन न्यूज, मैं हूं आपके साथ कनिका। तो चलिए शुरुआत करते हैं कुछ अहम खबरों के साथ। गाजियाबाद में आज सड़कों पर कई जगह पटाखों से होने वाली गंदगी और कूड़ा नजर आ रहा है। बीती रात गाजियाबाद में जमकर आतिशबाजी हुई, इसके चलते प्रदूषण का स्तर डेंजरस स्थिति में पहुंच गया। लोग जब सुबह उठे तो उन्हें सांस लेने में काफी दिक्कत हो रही थी। एक तरफ पटाखों की बिक्री पर रोक थी, मगर जमकर हुई आतिशबाजी से साफ है कि अवैध रूप से पटाखों की बिक्री हुई। लोगों का कहना है कि प्रदूषण के हालात बस से बदतर होते जा रहे हैं। बीती रात एयर क्वालिटी इंडेक्स 800 को पार कर गया था। जी मैम, क्या नाम है आपका? रंजना। रंजना जी, प्रदूषण का स्तर लगातार आज बढ़ गया है, 1000 तक पहुंच गया है, क्या कहेंगे? सर मैं तो यही कहूंगी कि क्या नाम है ना, इतने सारे पटाखे क्यों चलाए गए हैं? इतना प्रदूषण का स्तर बढ़ गया जब सबकी वैसी तबीयत बहुत खराब है, पहले ही कोरोना जाके आ चुका, सबको सांस की वैसी दिक्कत रही है, तो इतने सारे पटाखे कहाँ से आए? जिला प्रशासन ने इस पर रोक क्यों नहीं लगाई कि क्या नाम है ना, इस तरह से पटाखे शहर में नहीं बिकने चाहिए, जिससे कि पटाखे लोगों को इतने नहीं छोड़ने चाहिए थे। बात करें किस प्रकार की दिक्कतें आपको आ रही हैं? सबको गले में बहुत ज़्यादा दिक्कत है, आँखों में बहुत सारी जलन है, खांसी बार बार हो रही है, सांस में लेने में तकलीफ हो रही है, अस्थमा के पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो कितना रहा रात तक? 999 तक पहुँच चुका है एयर क्वालिटी इंडेक्स। मैम आपका? मेरा नाम नेहा जिंदल है। नेहा जी, आप लोहिया नगर में रहते हैं, प्रदूषण का स्तर काफ़ी बढ़ता जा रहा है। यस। दीपावली का त्यौहार भी था जिसपे पटाखे भी छोड़े जाते हैं, लेकिन सरकार और जिला प्रशासन ने पटाखों पर पूर्णतः बैन लगाई थी बेचने पर भी, जिसकी वजह से पटाखों की वजह से काफ़ी प्रदूषण बढ़ गया, क्या कहेंगे? पटाखे माना कि त्यौहार है, पर लेकिन जिस हिसाब से बीमारी फैल रही है, जो हिसाब से लोग बागों को पटाखे नहीं छोड़ने चाहिए थे, जिससे प्रदूषण और बीमारी ज़्यादा ही फैल गई है। किस प्रकार की दिक्कतें आ रही हैं? सांस लेने में और खांसी भी ज़्यादा हो रही है लोग बागों को। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।